guys, what's up and welcome back to my channel. I was literally getting one constant request about trying mini makeup. I was like, what the hell is first of all mini makeup? मैंने internet पे search किया तो जो छोटे छोटे हर brand के sample products नहीं आते छोटे छोटे से वो सब suggest कर रहा था and I was also on Amazon searching about mini makeup. तो उसमें मुझे एक mini makeup kit suggest की and उसके review भी बहुत ज़्यादा मस्त दे रखे थे नीचे. Everyone is like excellent, superb quality. I want to buy another box also. तो मैंने कहा कि मैं अपना पहले फर्स्ट बॉक्स यू नो परचेज करके देखती हूँ, सेकंड तो हम बाद में देखी जाएगी. सो यस, हेयर आई हैव माय मिनी मेकअप किट राइट ओवर हेयर. अपेरेंटली इसके अंदर सब कुछ है जैसा कि यू नो फोटोज में दिखा रखा है. सो आई होप दिस शुड वर्क. सो लेट्स ओपन इट टुगेदर. इज माय नोज लुकिंग रेड? मुझे बहुत इचिंग हो रही है. आई डोंट नो व्हाई आई लुक लाइक अ जोकर नाउ. इट्स ओके. तो जैसा कि सबको पता है कि हमारी वीडियोज बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं होती है. सो Here we go. Yes, we have the kit. Okay, इसको भी अभी करना. अरे यार, we have the kit right over here. तो ये मुझे पड़ी है 398 रुपीस की एंड इसके पीछे ना ऐसे ये इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस. इसे ओपन करते हैं तो जैसा कि देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पिंक कलर का प्रोडक्ट दिख रहा है. I'm so sorry for doing that, but got into it. Ta-ta-da-da. Okay, shut up. Hell up, Sonia. Okay, तो मुझे यहाँ पे ऊपर कुछ दिख रहा है. शायद यहाँ से भी ओपन होगा. कर ही लेते हैं. ओके, इजी. वो हो. सो वी हैव अ मिरर. इसको ऐसे रखना पड़ेगा. वी हैव अ मिरर. यहाँ पे लिप कलर्स है बहुत सारे विद वेट. ब्रशेस भी है यहाँ पे और एक आई पेंसिल भी है. दिस इज आई पेंसिल. सो क्यूट, सो स्मॉल. एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, इट्स अ लिप पेंसिल. कितनी क्यूट है ये, देखना. लाइक इसका साइज देखो एक सेकेंड. इट्स सो स्मॉल. इट्स छुटकू सा प्यारा, कितना क्यूट है. ठीक है, नीचे देखते हैं क्या है. इसे स्लाइड करना है. ओके, यहाँ पे हमारे पास आई शेडो है एक. फिर हमारे पास एक और आई शेडो है. दो आई शेडो की लेयर्स. फिर यहाँ पे हमारे पास पाउडर है एंड ब्लश भी है. आई गेस दिस इज ब्लश. और एक सेकेंड, नीचे भी है. वी हैव ये वाला कॉम्पैक्ट वाला थिंग. ये क्या है? ये बड़ा क्यूट लग रहा है. व्हाट इज दिस? इसे लास्ट में देखेंगे. आई गेस इट्स अ ग्लॉस, आई डोंट नो. एंड देन वी हैव फ्यू ब्रशेस. सो इट ओपन्स अप लाइक दिस. इट्स अ फ्लावर सॉर्ट ऑफ थिंग. ये पूरा खुल गया. एक कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट और हैंडी है लाइक ट्रैवलिंग पर्पजेज के लिए भी. प्लस इट हैज़ एवरी थिंग. लाइक लिपस्टिक्स भी हैं, आई शेडोज भी है, कॉम्पैक्ट भी है, ब्लश भी है, पेंसिल्स भी हैं. मैजिकल मेकअप किट. कुछ कुछ खोलो एंड एक्सप्लोर करो तो कुछ कुछ निकल कर आएगा भाई साहब. तो अभी हमें अपना मेकअप स्टार्ट करना था प्राइमर या फाउंडेशन से. तो प्राइमर तो मैंने अपना ऑलरेडी लगा लिया था क्योंकि मुझे पता था कि इसके अंदर नहीं है. लेकिन मुझे ये लग रहा था कि जो ये चार कॉम्पैक्ट है ना, तो मुझे लगा कि केकी वाले होंगे तो इट वुड वर्क एज अ कंसीलर और फाउंडेशन. बट आई जस्ट ट्राइड इट एंड ये चारों पाउडर फॉर्म में है. तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इसी से काम चलाना है. आ जाओ. बिकॉज मैं ना ये चाहती हूँ कि अगर एक्चुअली मैं इसे कहीं बाहर हूँ और यूज़ कर रही हूँ तो मुझे वैसा वाला ही मेकअप लुक क्रिएट करना है. नॉट यू नो टू मच कि मेरे पास सब कुछ है. जो भी अवेलेबल है हम इसी से ही देखेंगे कि क्या लुक निकल कर आता है. बिकॉज आई गेस दैट्स द होल पॉइंट, राइट? ओके, सो आई गेस दिस शेड शुड वर्क फॉर मी. तो इसी को लेते हैं. अंडर आईज, लेट्स डू इट. आ तो अच्छा रहा है, मैंने ज़्यादा भी नहीं लिया, बस हल्का हल्का डैप किया. ज़्यादा फॉल भी नहीं हुआ है. इट्स वर्किंग नाइसली अभी तक. सो फार सो गुड. वैसे अभी स्टार्ट ही किया है बट ठीक है. यार ये तो बहुत सही लग रहा है. ये तो ऐसा लग रहा है कंसील ही कर रहा है मेरे को. बहुत ही बढ़िया. मैं बता रही हूँ अगर स्टार्टिंग ही अच्छी हो ना तो और मन करता है कि हाँ देखते कि और क्या मेकअप लुक निकल कर आएगा. कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, इसे ब्लेंड कर देते हैं. दिस थिंग इज़ ऑल्सो वेरी सॉफ्ट एंड ये प्रोडक्ट को ज़्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा और ऐसा नहीं है कि सब कुछ फॉल ही हो रहा है. सो इट्स क्वाइट नाइस. इट्स डिसेंट क्वालिटी. ट्रैक्टर जा रहा है भाई. यहाँ पे थोड़ी रेडनेस भी है, इसको भी थोड़ा हटा देते हैं. वैसे मुझे पसंद है, ऐसा लगता है कि नेचुरल ब्लश है बट ठीक है अभी ट्राई करते हैं. इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही ऐसी नहीं होती, मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी. इट्स क्वाइट नाइस. बिल्कुल भी ऐसे हार्श केमिकल वाली स्मेल बिल्कुल भी नहीं है. कैन यू सी द डिफरेंस? मुझे लग रहा है इसने मुझे थोड़ा ज़्यादा वाइट कर दिया है.
ऐसा लग रहा है क्या? बट जब भी हम कुछ बेस करते हैं ना तो उसको 5-10 मिनट्स देने चाहिए फॉर इट टू डिजॉल्व इन टू योर स्किन एंड थोड़ा सा यू नो सेट होने के लिए टाइम देना चाहिए. तो हम एकदम से जज नहीं करेंगे, इसे टाइम देंगे. फॉर पर्सन लाइक मी हु डजंट नो हाउ टू डू लाइक अ प्रॉपर मेकअप, सो दिस इज लाइक परफेक्ट फॉर मी. मतलब मुझे इतनी ही चीज़ें चाहिए होती है, मुझे 10 एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए. इतने से मैं काम चला लूंगी. आई एम लाइक द हैप्पीएस्ट पर्सन. ये भी मेरे लिए ज्यादा है. आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. सो आई गेस आवर बेस इज डन विद जस्ट अ कॉम्पैक्ट पाउडर. आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स क्रेजी एंड इनसेन, बट फिनिश बहुत अच्छी आई है. मुझे तो रिजल्ट से मतलब है. ठीक है, तो आई गेस नाउ वी शुड जम्प ऑन टू आर आईब्रोज बिकॉज या दैट्स इंपॉर्टेंट. तो मेरे पास सिर्फ दो ही ब्रश है, एक एप्लीकेटर वाला और एक आई गेस दिस इज फॉर ब्लश. तो इसी से ट्राई करते हैं. एक सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे आई पेंसिल भी थी ना, इससे करेंगे अपनी आईब्रोज. ये तो मैं भूल ही गई थी, कितनी प्यारी है. फाइनली हमें इसे यूज करने का टाइम. दिस इज सो क्यूट, प्यारी सी, देखना. ओके, ये बहुत हल्का है बट आई गेस दैट्स फाइन बिकॉज मुझे ज़्यादा भी नहीं फील करनी. एंड ऑब्वियसली मैं इसे काजल की तरह तो नहीं यूज़ करने वाली थी बिकॉज आई डोंट नो अबाउट द केमिकल्स और द इंग्रेडिएंट्स जो कि इसके अंदर है. तो ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा सा डर लगेगा. तो मैं बस अपनी आईब्रोज फिल करूँगी इससे. ठीक है, लेट्स डू इट. मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसे पकड़ूँ कैसे, बट ठीक है, इट्स सो क्यूट. मेरे को ज़्यादा प्रेशर लगाना नहीं पड़ रहा है और कंसिडरिंग इसका जो इसे बहुत हल्का सा पिगमेंटेशन है ना, इतना ही इफेक्ट चाहिए था मुझे, ज़्यादा डार्क डार्क नहीं चाहिए. सो यूजली आई डोंट डू माय आईब्रोज विद आई पेंसिल्स एनी मोर. आई यूज टू बट नाउ आई यूज़ डार्कर ब्राउन आई शेडो. तो अगर ये नहीं होती तो मैं यू नो आई शेडो से ही कुछ कर रही होती, बट अभी ये है तो गुड फॉर अस. व्हाट डू यू थिंक, इफेक्ट डिफरेंस कुछ लग रहा है? मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा. इसको भी जल्दी से फिल कर देते हैं. दिस इज सो क्यूट. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे इतने छोटू से प्रोडक्ट से मेकअप करूँगी अपना, बट मुझे मज़ा आ रहा है. दिस इज़ डिफरेंट फॉर मी एज वेल. एंड प्लस ये कितना कॉम्पैक्ट है, कहीं भी रख के ले जाओ. एंड वी डन विद आवर आईब्रोज, कितनी जल्दी, वाओ, गुड. ओके, अब है हमारा आई शेडो करने का टाइम. तो पहले लाइट ब्राउन शेड से बेस कर लेते हैं. वी हैव दिस ब्रश राइट ओवर हियर. इससे मुझसे कभी भी मेकअप नहीं होता है, बट अब चैलेंज लिया है तो फिर इसी से ही करेंगे. ठीक है, कौन सा शेड लेना चाहिए? आई गेस दिस वन, ये वाला. ठीक है, इसकी मुझे पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी. मैंने ज़्यादा बिल्कुल भी टच नहीं किया था. एक सेकेंड, लेट मी शो इट टू यू. व्हूप, ओके, ये क्या हुआ? यहाँ पे तो ज़्यादा दिख रहा था, ये क्या हुआ? दिख ही नहीं रहा है. आई गेस ये कंटूरिंग वगैरह के लिए ठीक रहेगा, बट ठीक है, कोई दूसरा वाला शेड ट्राई करते हैं. ये वाला, इसे आईज पे लगा के देखते हैं. हाँ, आईज पे आ रहा है, बहुत ही प्यारा सा. Like not too much, and this is also soft. I'm impressed, man. दिमाग में ऐसे नहीं होता कि अगर कोई चीज़ सस्ती है तो वो ख़राब निकलेगी, ऐसा नहीं है. वो अच्छी भी हो सकती है, and this is it. ये सच में बढ़िया लग रही है, मतलब अभी तक. So yeah, मतलब इसके ब्रशेज की क्वालिटी भी अच्छी है एंड मेकअप भी अच्छे से निकल कर आ रहा है. पहले जो मैंने मेकअप किट्स ट्राई की है इतनी सारी, उसमें मुझे लिटरली ऐसे ऐसे करना पड़ता था कि निकल जा भाई कलर, बट इसमें बहुत ही प्यारा सा मुझे जस्ट हल्का सा टच एंड कलर इज हियर. ठीक है, ये हो गया. अब थोड़ा सा क्रीज क्रिएट करते हैं डार्कर शेड से. यहाँ दिस वन, यस, नाइस. मेरे से इस वाले ब्रश से कभी भी ब्लेंड नहीं होता है, बट दिस इज सो सॉफ्ट. वो खुद ही मेरा हाफ ऑफ द वर्क कर रहा है, मुझे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है. ये बहुत मेरे को मज़ा आ रहा है, मैं सच बता रही हूँ. जस्ट लुक एट इट, इट्स सो सॉफ्ट एंड सो नाइस, स्मूथली ब्लेंड हो गया है. एंड मैंने ना बहुत हल्का हल्का लिया बिकॉज मुझे लग रहा है कि अगर मैं बिल्कुल ही ज़्यादा प्रेशर दे दूंगी ना तो बहुत ज़्यादा कलर आ जाएगा. इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है. And that's it. Yeah, थोड़ा सा क्लीन करना मेरे को. Wait. And we're ready with our eyes का बेस. मुझे ये एज इट इज भी अच्छा लग रहा है, बट अभी यहाँ पे कुछ और भी करते हैं. रुको, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे गोल्डन करते हैं, ट्राई करते हैं. ये रहा, दूसरी साइड से लिए. इसका थोड़ा सा फॉल आया है, बट ठीक है, इतना चलता है. चलो, मस्त मस्त, वाह,
मेरी आईज ऐसे खुल गई है. मैं स्टार्टिंग में ऐसे सोई हुई लग रही थी एंड अभी ऐसा लग रहा है कि यस वी आर फाइनली गेटिंग रेडी टू गो समवेयर. जबकि हम यहीं बैठेंगे, यहीं पे चिल करेंगे, बट ठीक है. उम्दा उम्दा, बहुत ही बढ़िया जा रहा है ये कहीं. ठीक है तो अभी ब्लैक वाला लेते हैं हल्का सा, एंड आई लाइनर की जगह हल्की सी बस इफेक्ट देते हैं यहाँ पे स्मोकी वाला. आई गेस कलर नहीं निकल रहा है, वेट वी हैव इट हियर थोड़ा सा. या अब निकल रहा है. जस्ट टू ओपन योर आईज अ लिटिल बिट मोर. यस थोड़ा सा विंग देंगे. हाँ नाइसली डन, नाइसली डन सोनिया. और भी उसे फिनिश करेंगे, पहले यहाँ पे भी कर लेते ताकि इक्वल हो दोनों साइड. बिकॉज आई मेस दिस थिंग अप एंड आई गेस वी आर डन विद दिस एज वेल. हल्का हल्का सा स्मोकी इफेक्ट आया एज अ लाइनर. आई लाइक इट, आई जेन्युइनली लाइक इट. और नीचे ना थोड़ा पॉप ऑफ कलर देते हैं. व्हाट अबाउट पिंक? इसमें पिंक बहुत ही मस्त वाला लग रहा है, तो यहाँ पे ना पिंक लाइनर टाइप देंगे. ओके okay, मैंने पूरा गंदा कर दिया है, बट है यहाँ पे अभी थोड़ा सा स्पेस. ठीक है कोई बात नहीं. ये स्मोकी एंड कलरफुल मेकअप लुक, वो ठीक है. नाइस नाइस मस्त लग रहा है. जल्दी से यहाँ पे भी करते हैं. मुझे इसकी पिगमेंटेशन वाइज ना बहुत अच्छा लग रहा है. लाइक ये छोटा भी है, कॉम्पैक्ट है, कलर्स अच्छे से निकल कर आ रहे हैं. तो मतलब अगर बाहर जल्दी से करना हो ना मेकअप तो हो जाएगा. ऐसे नहीं कि तुम मेहनत कर रहे हो कलर्स निकालने में या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड इसकी फ्रेग्रेंस तो कुछ है नहीं, आई गेस इट्स ऑडरलेस, कुछ भी नहीं आ रही है. तो दैट्स ऑल्सो नाइस. हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की फ्रेग्रेंस हो. ये बहुत ही मस्त लग रहा है. ये थोड़ा ज़्यादा हो गया आई गेस. वी डन विद दिस अभी फ़िलहाल. लेकिन जो हमारे पास आई पेंसिल भी थी ना, मेरे हाथ थोड़े वैसे हो गए हैं, ऑयली ऑयली. रुको यस इसको थोड़ा सा क्लियर लुक दे देते हैं ऊपर एंड विंग निकाल देते हैं. सी यस वी आर रेडी. क्या बचा है, क्या बचा है? लिप्स एंड ब्लश बचे हैं. ब्लश में ना मुझे जस्ट रियलाइज हुआ कि यहाँ पे ना तीन शेड अलग से दे रखे हैं यार. तो आई गेस ये तीन डिफरेंट डिफरेंट शेड्स है ब्लश के, तो यही ट्राई करेंगे. सो आई गेस आई एम गोना गो विद बहुत टफ है यार, क्योंकि मुझे थोड़ा वॉर्म पिंक चाहिए होता है. थोड़ा सा ये जा रहा है, ये तो बहुत ही लाइट हो गया. तो ये वाले मिड वाले से यूज़ करते हैं. ओके okay, इसका बहुत फॉल निकल रहा है, लाइक बहुत ही ज़्यादा. वो दूसरा आई शेडोज में भी चला गया है. ठीक है कोई बात नहीं. ओके इसकी भी पिगमेंटेशन ज़्यादा है यार. होपफुली ये ब्लेंड हो जाए. दिस ब्रश इज़ नॉट नाइस. आई हैव नेवर लाइक दिस काइंड ऑफ ब्रशेज. ये बहुत ही प्लास्टिक ही होते हैं, इससे नहीं होने वाला ब्लेंड. और ये मुझे इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग ऑन द स्किन. मैं अपने इस ब्रश से करने वाली हूँ, आई एम सॉरी. पता चले बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मुझे इतने सारे पिम्पल्स आ रहे हैं, तो इसलिए इससे ब्लेंड कर देते हैं. और जल्दी भी हो रहा है. और इफ़ यू आर आउटसाइड और इससे नहीं हो रहा तो आई गेस इससे भी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं. यस ये थोड़ा सा भी सॉफ्ट लग रहा है, तब कितना ज़्यादा पॉप आउट होकर आ रहा था. ठीक है इधर भी लगाते हैं. ज़्यादा हो गया. एक तो पता नहीं चल रहा क्योंकि ऊपर से फॉल दिख रहा है एंड लगने के बाद इतना ज़्यादा हो गया है वो. नहीं इससे नहीं ब्लेंड हो रहा, इट्स वेरी टफ. इससे देखो जल्दी हो जाएगा. यहाँ पे एक्चुअल में ज़्यादा लग गया यार ब्लश. मुझे आई गेस थोड़ा कॉम्पैक्ट लगाना पड़ेगा. मेकअप डिजास्टर हो गया थोड़ा सा बीच में. तो ऐसे हम थोड़ा कम कर लेंगे एंड देन इसको ब्लेंड कर देंगे. ये सारे हैक्स ना मैंने जब फंक्शन होते थे ना स्कूल टाइम पे, तो मैंने अपनी मॉम से सीखे हैं. वो हमेशा सुबह जल्दी में कभी कुछ ज़्यादा लग गया, कुछ कम हो गया, तो ये जुगाड़ करने पड़ते थे. अभी तक काम आ रहे हैं. ये भी डार्क है, यहाँ थोड़ा और लगा लेते हैं. जोकर ना लगू बाय द एंड ऑफ इट आई होप. दैट्स इट. ब्लश अच्छा लग रहा है. अगेन इट्स वेरी लाइट, इसे ब्लेंड करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बट इवेंचुअली जो एंड लुक है वो बहुत ही अच्छा निकल कर आया है. इट्स वेरी हल्का, ऐसा नहीं लग रहा कि अलग से लगा रखा है, अच्छे से ब्लेंड भी हो गए हैं स्किन के अंदर. एंड एवरीथिंग इज लुकिंग लाइक ऑन प्लेस एंड परफेक्ट. अच्छा जा रहा है, इसमें कुछ हाईलाइटर नहीं है. जो ये वाइट वाला आई शेडो है ना, इसको हाईलाइटर की तरह यूज़ कर सकते हैं. मैंने किया हुआ है पहले,
तो ट्राई करते हैं कि ये वाला वर्क करेगा या नहीं. लेट्स ट्राई इट. इसको लेके बस हल्का सा ब्लेंड कर दो. यस इट वर्क्स. ये हैक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. कोई भी वाइट आई शेडो लेके ना यू कैन जस्ट यूज इट एज अ हाइलाइटर, या फिर गोल्डन वाला भी ले सकते हैं, दैट ऑल्सो वर्क्स. एंड या हल्का हल्का प्यारा प्यारा सा वो थोड़ा ज़्यादा हो गया अब. ठीक है क्विकली. पहले मुझे लग रहा था कि इतने सारे आई शेडोज हैं मैं क्या करूँगी, बट मोस्टली सारे काम आ गए यार. दैट्स नाइस. थोड़ा सा यहाँ पे भी. एंड ऑफ कोर्स यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देख रहे हो डिफरेंस. दिस इज नाइस. आई एम टेलिंग यू 398 की एक अच्छी डिसेंट कंपनी वाली आई शेडो किट तक भी बहुत मुश्किल से मिलती है, लाइक ढूंढने पे. एंड यहाँ पे यू हैव सो मैनी थिंग्स, प्लस दिस इज द लुक यू आर गेटिंग. अब हमारे लिप्स बचे हैं तो पहले लिप पेंसिल लगाते हैं लिप लाइनर की तरह. देखते हैं कौन सा शेड है. बाहर से ये रेड लग रहा है बट ठीक है. ओके इट्स रेड ओनली, मरून टाइप. देखो ओके ऐसा कलर नहीं निकल रहा है. एंड ये थोड़ा चुभ भी रहा है आई गेस बिकॉज इट्स वेरी पॉइंटी शार्पेंड है ये पूरा. एक सेकेंड पहले ना मैं देख लूँगी मैं कौन से लिप कलर लगाऊंगी. एंड देन यहाँ पे लिप वन, लिप कलर वन, लिप कलर टू, ये सब भी ओ एक सेकेंड. इस वाले पैम्पलेट पे पूरा लिखा हुआ है लिप कलर 1 2 3 4. टोटल है हमारे पास 8 शेड्स. वो हो ठीक है. यहाँ पे हमारे पास दो ब्रशेस भी है, इन्हीं से लगाएंगे. सो आई गेस आई एम गोना गो न्यूड एंड नॉट रेड, बट जस्ट टू शो यू कि हाउ इट फील्स ऑन लिप्स एंड एवरीथिंग आई एम गोना ट्राई हल्का हल्का सा. ठीक है ओके. ये रेड लग भी नहीं रहा है, इट्स वेरी न्यूड व्हेन यू अप्लाई इट. ओके दैट्स नाइस. आई यूज टू अप्लाई लिप लाइनर्स एंड फिर मैं बहुत फनी लगती थी. एंड मुझे लगता था कि नहीं, ऐसा लगता था कि सारा अटेंशन आपके लिप्स ग्रैप कर रहा है. आई यूज टू हेट दैट फीलिंग. तो अब मुझे भी देखती हूँ कि क्या होगा. इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस बट स्टिल लेट्स जस्ट ट्राई इट. इट लुक्स रेड एंड मरून बट इट्स न्यूड वंस यू अप्लाई इट. एंड थोड़ी सी डेफिनेशन तो आई है लिप्स में. एंड इट्स नाइस. आई एम हैप्पी अबाउट इट. मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ आज आने वाले शूट्स एंड ऑल में. ठीक है अभी लिप शेड डिसाइड करते हैं. इस पर ह्यूमिडिटी आ गई है भाई, बहुत पसीना. इस पर थोड़ा सा क्या है सो इरिटेटिंग. मुझे अभी ये भी देखना है कि ये चीज़ क्या है. एक सेकेंड पहले देख ही लेते हैं. वट इज दिस? इट्स अ ग्लॉस. इट्स अ ग्लॉस. बहुत ही क्यूट बॉटल इसे लास्ट में लगाएंगे. बट आई गेस इसके जो लिप शेड्स हैं इसमें ऑलरेडी ग्लॉस है. पिंक लगाते हैं दिस वन. मुझे तो ख़राब करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है बिकॉज जैसे इन्होंने दिया है ना इट्स वेरी प्रिटी दिखने में. ओके सो वी हैव लिपस्टिक एप्लीकेटर पे. लेट्स अप्लाई इट. नो फ्रेग्रेंस व्हाटसोएवर. ओके वर्क्स. इट्स सॉफ्ट क्रीमी. नाइस. एंड अभी मैंने दोबारा नहीं लिया, इस जस्ट जो मैंने स्टार्टिंग में हल्का सा लिया था लिप कलर तो उससे लगा के देखते हैं कितना लगता है. एंड आई गेस आई स्टिल हैव प्रोडक्ट लेफ्ट हियर. एंड मेरे पूरे लिप्स पे लिपस्टिक लग भी गई है. इट्स सो क्यूट. प्लस इसमें थोड़ा सा ग्लॉसी इफेक्ट भी है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. भाई साहब दिस इज मैं सच बता रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे मेकअप स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं. आई मीन जस्ट लुक एट दिस फेस. आई कैन लिटरली गो आउट विद दिस फेस. आई एम नॉट इवन किडिंग. इट्स लुकिंग वेरी डिसेंट मिनिमल लाइक सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक. तुम्हें जो नाम देना है दे दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट. एंड या लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लग रही है. इसमें ऑलरेडी ग्लॉसी इफेक्ट आ रहा है तो आई गेस इसकी ज़रूरत नहीं है. बट जस्ट टू ट्राई इट बिकॉज वाई नॉट. इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं. इसके साथ एप्लीकेटर आई कैन यूज़ इट बट आई एम गोना यूज़ माई फिंगर. ओके ये पिंक दिख रहा है बट आई गेस इट्स ट्रांसपेरेंट बिकॉज यूजली यही होता है. ओके नो इट इज़ पिंक. इट इज़ पिंक. मैं नहीं लगा पाऊँगी बिकॉज देन इट्स गोना यू नो जस्ट रूइन दिस लिप शेड. तो इसे छोड़ देते हैं बट यू गेट द आइडिया राइट. दिस इज़ हाउ दिस होल थिंग लुक्स लाइक. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. एंड आई एम ग्लैड कि मैंने अच्छी जगह अपने पैसे इन्वेस्ट करे. एंड आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड दिस मेकअप लाइक मिनी मेकअप किट टू यू ऑल बिकॉज इट्स अगेन कॉम्पैक्ट हैंडी. इट हैज़ एवरीथिंग विच यू नीड फॉर दैट गो टू मेकअप लुक एंड एवरीथिंग यू नो. सो या आई एम गोना प्रोवाइड एवरीथिंग लाइक द लिंक्स एंड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो इफ़ यू एन्जॉयड यू नो experiencing this whole thing with me. Like and subscribe and I'll see you in my next one. Okay, bye.